हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज कोई ब्लॉग नहीं है और आप सोच रहे होगा कि मैं मिट्टी लेके बैठ गई हूँ, तो मैं कर क्या रही हूँ। और आपको पता है कि ठंड का मौसम शुरू हो गया है, हमारे यहाँ तो खैर ठंड हो गई है काफ़ी। तो मैंने कहा चलो चूल्हा बना लेते हैं मिट्टी का, और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी मुझे चूल्हा बनाना है, पर आज फाइनली शुरुआत कर ही दी है मैंने। और चूल्हे की जो रोटी होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। सब्जी रोटी, चावल की रोटी, मक्की की रोटी बहुत स्वाद लगती है। तो मेरा बहुत मन था चूल्हा बनाने का। और इसके लिए जो मिट्टी आती है ना, ये अलग ही आती है, चिकनी टाइप की मिट्टी आती है जो कुम्हार जो यूज़ करते हैं, जिससे खिलौने मटके वगैरह बनते हैं ना, वही मिट्टी इसमें लगती है। और इससे इस मिट्टी से लोग अपने घर में पहले पुराने ज़माने में चिनाई वगैरह भी किया करते थे। तो बस वाली मिट्टी ले ली है मैंने। एक मिट्टी दूसरी होती है, इसे खेती वगैरह करते हैं, क्या मतलब नर्सरी वगैरह में फूल फाल बोने के लिए। तो यहाँ पे ना मेरे पास ना एक छोटा सा तसला रखा था और ये बीच से ना टूट गया है, तो मैंने सोचा चलो इसमें बनाती हूँ। पहले भी मेरे पे चूल्हा था तो वो भी तसले पे ही बना हुआ था। इससे क्या फ़ायदा होता है ना कि अगर हमें नीचे लाना है, कहीं भी उठाना के रखना है तो आराम से हो जाता है। तो मैं जब मन होगा छत पे रख लूँगी और जब मन होगा तो नीचे ले आऊँगी ऐसे उठा के। तो पहले मैं इसके तले में ना पतली पतली मिट्टी की जो है ना परत से बिछा रही हूँ, ताकि जो बीज का टूटा हुआ हिस्सा है वो चूल्हा बनाते समय मेरे हाथ में ना लग जाए और मेरा हाथ ना कट जाए। इसलिए मैंने पतली पतली मिट्टी की ना हल्की सी परत बना ली है। और दूसरा ये होगा कि चूल्हा बनाते समय उसका तला तैयार करना होता है, अगर उठाने वाला चूल्हा बनाना है, हमने उठाई चूल्हा बोलते हैं उसे। तो बस अब मिट्टी मैंने घोल ली है, और मिट्टी में ना मैंने भूसा मिलाया है, कोई फुई रुई टाइप की फुई होती है ना वो मिलाता है, कोई जूट मिलाता है, सीमेंट भी मिला सकते हैं, पर मैंने बोला था सीमेंट के लिए, फिर ये लेकर नहीं आए, भूल गए। मैंने कहा चलो ऐसे बना लेते हैं, अगर सीमेंट बना के हल्का सा सीमेंट डाल देना बनाते समय तो और पक्का हो जाता है। लेकिन मैंने भूसा मिला लिया है इसमें, और इसकी ना पतली पतली सी लोई बना के और इस तरह से रख दी है, पहले पीछे रखी है फिर साइडों में रख दी है। और हमें देखना है कि हमें कितना मतलब चौड़ा चूल्हा चाहिए, कितना लंबा कितना चौड़ा, उस हिसाब से हम इसका नीचे का जो उसका बेस होता है ना वो तैयार करेंगे, क्योंकि इसी पे फिर और रखा जाएगा। और अगर हमें छोटा चूल्हे चाहिए तो छोटी मतलब दूरी पे रखें, कम दूरी पे, और अगर ज़्यादा चौड़ा चूल्हा चाहिए तो ज़्यादा दूरी पे रखें। लेकिन मुझे इतना ही चाहिए, ज़्यादा वो नहीं चाहिए, मेरे पास इतने बड़े बड़े भगोने नहीं है कि भाई इतने बड़े बड़े भगोने रखने हैं, अपना डेली बेस का ही खाना बनाना है। तो मैंने इस तरह से इसमें रख दिया है, और अभी जो है ना जो परत इसमें रखी जाएगी वो रफली काम होगी, यानी कि रफ़ काम होगा इसका। फियर जो है, इसकी फिनिशिंग जो है वो तो एंड में होगी, तो इस तरह से जो है इसका तैयारी हो जाएगी। और इसे करने के बाद मैं इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, थोड़ा सा धूप में लगेगा, टाइट होगा। 2 घंटे बाद मैं इसमें फिर से आऊँगी इसकी जो ऊपर की दूसरी परत लगाने के लिए। तो 2 घंटे बाद मैंने देखा ये टाइट हो गया था, तो मैं फिर आ गई हूँ इसमें दोबारा से ऊपर से दूसरी इसकी परत लगाने के लिए। तो बस वही करना है, मैं मिट्टी मिला रही हूँ और भूसा मिलाऊंगी। और फ़ोन आज गुड्डों के पास है, तो फ़ोन गुड्डों के पास है तो हिलेगा बहुत, और बहुत हिला रही थी ये, तो मैंने इसे कहा भी था फ़ोन हिलाना मत, लेकिन हिला रही है बहुत। और बस इसकी दूसरी परत भी इसी तरह से रखी जाएगी जिस तरह से पहले रखी है। और बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि चूल्हा ना के लिए जो हम मिट्टी का गारा तैयार कर रहे हैं वो गारा जो है ना ज़्यादा गीला ना हो, तो मतलब हल्का सा टाइट सा रखें, सूखा सूखा सा गीला ना हो। उससे क्या होगा, हम तो बना देंगे, बाद में जब हम इसे रेस्ट करने के छोड़ेंगे तो ये मतलब पीछे की तरफ फैल जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा ना पतला गारा नहीं करना है। और ये दूसरा जो उसका ऊपर से रखी थी मैं दूसरी परत, वो भी तैयार हो चुकी है। और आप आगे से देख रहे होंगे ये आगे पीछे लंबा हो रहा है, उधर से छोटा है इधर से लंबा, तो ये मैं एंड में करूँगी, आगे से बाद में बराबर करूँगी, अभी तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और हल्का सा पानी लेके मैंने इसे थोड़ा सा गोलाई का हिस्सा दे दिया है शेप में। वैसे तो अगर जब आप बनाओगे, और जिन्हें आता है उन्हें तो खैर आता ही है, और जिन्हें नहीं आता उन्हें मैं कह रही हूँ, जब वो बनाओगे आप तो शेप का तो अपने आप ही पता चल जाता है कि कहाँ पे कम करना है कहाँ ज़्यादा करना है, वो तो इतना पता ही होता है हम। और इसे करने के बाद फिर 2-3 घंटे बाद फिर मैं शाम को इसका फाइनल जो है वो कर दूँगी, सूख जाएगा ये थोड़ा सा।
और यहाँ पे ये देखिए आप खुद ही दिख रहा है, सूख गया है ये, और बस इसका जो फाइनल का है ऊपर मैं धर रही हूँ। मुझे देखना है कि मुझे कितनी इसकी वो चाहिए, क्या बोलते हैं, ऊंचाई, तो इतना ही रखूँगी, ज़्यादा ऊंचा नहीं रखूँगी, इतना बहुत है मेरे लिए। और बस इसका इस तरह से फाइनल टच दे देंगे, बराबर सा कर लेंगे, गोलाई भी इसकी देख लेंगे कि गोलाई टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो रही है। जहाँ से मिट्टी कम होगी वहाँ पे मिट्टी का जो है मैं लगा दूँगी, प्लेन कर दूँगी, और आगे से फिर मैं इसे चक्कू से काट के बराबर कर दूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे चक्कू से आगे काट के बराबर कर दिया है, और इस समय अधिक मतलब ज़्यादातर चूल्हा बन चुका है। और यहाँ पे इसके ऊपर मैं अब टिक्की धरूँगी, 3 टिक्की धरते हैं, जिसे जब हम बर्तन धरते हैं खाना बनाते हुए तो हवा मतलब आने जाने की जगह रहे, जिससे मतलब धुआं नहीं होगा और आग अच्छी जलेगी, तो ये टिक्कियाँ धरी जाती हैं। और ये भी देखना है कि मतलब किस तरह से, इस तरह से हाथ फेर फेर के और इसे मतलब इस ऊंचा कर देंगे। और जिस तरह से मैं हाथ मतलब हाथों का सहारा लगा लगा के कर रही हूँ ना, इस तरह से आप भी कर लेना अगर आपको नहीं आता है तो। और क्या होता है ना, हम लोग अपना आप करते हैं तभी हम सीखते हैं, देख के और सुन के ऐसा नहीं होता है जब तक हम उस चीज़ को अपने आप नहीं करें। और ऐसा कोई काम है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं। तो जिन्हें नहीं आता है वो एक बार ज़रूर बनाइएगा, और वीडियो मेरा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास अलग अलग वीडियो आए, अलग अलग तरह की, बहुत कोशिश कर रही हूँ, और आप लोग साथ भी दे रहे हो, सपोर्ट भी कर रहे हो, तो बस यही कहूँगी कि आगे भी आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मुझे आपके सपोर्ट की अभी बहुत ज़रूरत है। और बस उम्मीद तो मेरी टूटती नहीं है, उम्मीद तो मेरी हमेशा बनी रहती है, जैसा कि आपको पता ही है जो मेरे वीडियो डेली देखते हैं उन्हें तो पता ही है मेरी उम्मीदें टूटती नहीं है। और यहाँ पे देखिए मेरा चूल्हा जो है वो तैयार हो चुका है, और सच में मुझे ना बहुत खुशी हो रही है देख के कि मैंने फाइनली चूल्हा बना लिया, वरना मुझे लग रहा था मैं बना नहीं पाऊँगी। और जो तसला था ना उसके चारों तरफ मैंने मिट्टी का हल्का सा लेप लगा दिया है, तो बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।